मैराथन का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। झोटवाड़ा में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुल 18 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की। बीजेपी नेता लालचंद कटारिया ने ज्वाइनिंग कराई। राजेश घाटावाला, सत्यनारायण व्यास, राजू पिपलोदा, रामनिवास परसवाल, नरेंद्र सिंह शेखावत, हरि नारायण देगड़ा, रामकुमार भूरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दल बदल का सिलसिला जारी और इसी क्रम में लगातार कांग्रेस को कई बड़े झटके लग रहे हैं। आज एक और बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। 18 दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कटारिया के आने के बाद से अब तक 200 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। योगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को, कौन कौन से दिग्गज आज बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, कई पदों पर रहे हुए हैं ये नेता और बरसों से कांग्रेस पार्टी की जयपुर ग्रामीण में बड़ी ताकत बनकर इन्होंने पार्टी के लिए काम किया था, लेकिन अब जब लालचंद कटारिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए तो जो उनका समर्थक वर्ग था, जो उनके समर्थक नेता थे, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में करीब 1.5 दर्जन जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन तमाम नेताओं को लालचंद कटारिया ने जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह को जिताने के लिए जिम्मेदारियां दी हैं और अलग अलग इलाकों में इनकी ड्यूटी लगाई है, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो कल थम जाएगा प्रथम चरण में। तो ऐसे में लालचंद कटारिया चाहते हैं कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो सार्थक साबित हो, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए जितने भी नेता थे उनको वो अपने पाले में ला रहे हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। और इसी कड़ी में कई जो बड़े नेता हैं जिनकी गांव में बड़ी पकड़ है, जिन्होंने पार्टी को बरसों दिए हैं, जिनके पास में कई चुनाव लड़ाने का तजुर्बा है, उनको कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में वो शामिल करा रहे हैं। और आज फिर उनको कामयाबी मिली जब बड़े बड़े जो नेता हैं गांव इलाकों में देहात में जिनकी पकड़ है और जिनके पास में 20-20, 30-30 साल का तजुर्बा है, कई चुनाव वो करा चुके हैं, तो ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल करा करके कांग्रेस को फिर झटका दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इन नेताओं के बीजेपी में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की और ज्यादा पकड़ मजबूत होगी और जो राव राजेंद्र सिंह है उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे उनको निपटने में आसानी होगी, क्योंकि चुनाव से पहले एक मोराल जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी कांग्रेस का। कास्ट इक्वेशन में बताया जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी अच्छी बताई जाती है, लेकिन अब जो है लालचंद कटारिया के आने के बाद राव राजेंद्र सिंह के लिए जिस बदल गए बाबूलाल, लालचंद कटारिया के जाने के बाद से लगातार कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं तू चल मैं आया। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं यहाँ पर कांग्रेस के लिए, मनाने की कोशिश की जाती है क्या? जो नेता छोड़ते हैं या जो अभी आगे छोड़ने वाले हैं उसे लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोटपूतली जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का हिस्सा है वहां पर एक बड़ी जनसभा यानी कि राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने कोटपूतली से करी थी जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उसके बाद से कांग्रेस ही खेमे में खलबली है और बीजेपी का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस अपने जो कार्डर को बचा पाने में बहुत परेशान हो रही है, तो जो बीजेपी में जो नेता गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो ही कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और लालचंद कटारिया ने तो एक तरह से जयपुर ग्रामीण में बहुत ज्यादा झटके दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, तो इस चुनाव में कैसे वो उभर पाएगी ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो अपनी स्थिति मजबूत करती हुई यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब देखना यही होगा कि ये जो ज्वाइनिंग्स हुई है कितनी उपयोगी साबित होगी चुनाव में और किस तरह से जो है बीजेपी को इनसे मदद मिल पाएगी। बिल्कुल, कितना नुकसान होता है इसका फैसला तो 4 जून को सामने आएगा बाबूलाल, लेकिन जिस तरीके से हाथ का साथ छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे हैं और कांग्रेस की निंदा भी कर रहे हैं, कई बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, कांग्रेस के लिए बेहद परेशान करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा लोकसभा सीट पूर्वी राजस्थान की हॉट सीट बन चुका है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। किरोड़ी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इमोशनल कार्ड भी जमकर खेल रहे हैं। कभी वो पपलाज माता की सौगंध दिलाकर तो कभी सफेद बालों की लाज रखने के नाम पर वोट मांगते हैं। हाल ही में उन्होंने ये तक कह दिया कि महुआ क्षेत्र से अगर बीजेपी नहीं जीती तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी के इमोशनल कार्ड पर सचिन पायलट ने चुटकी भी ली और कहा कि मंत्री पद छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुनिए। और अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से
तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा, तो मैं कसम है इस बात। हमारे जिले के बहुत नेता हैं जो भाजपा से जीत कर गए हैं, वो गांव गांव डोल रहे हैं, कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कसम खा रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के परिणाम से किसी का कोई मंत्री पद जाने वाला नहीं है, और मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं कोई मंत्री पद छोड़ना भी मत, बहुत मुश्किल से मंत्री बने हैं, बने रहना चाहिए। और उकर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जुबेर खान से बदसलूकी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। टीकाराम जूली के दफ्तर पर बैठक की गई, टीकाराम जूली से मुस्लिम समाज ने माफी मांगी है, हार का मेरे माथे पर कलंक लगाना चाहते हो जुबेर, मेरे बुढ़ापे की राजनीति हत्या की कोशिश है। जुबेर खान की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। जुबेर की पत्नी साफिया भी बैठक में भावुक हो उठी। टीकाराम जूली और जितेंद्र सिंह पर गाड़ी से देखते रहने का भी आरोप लगाया गया। दोनों नेताओं द्वारा जुबेर को बचाने का प्रयास भी नहीं करने से मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर जुबेर खान को प्रियंका गांधी वाड्रा के पास जाने से रोक दिया गया था। विधायक इस बात को लेकर नाराज हैं, और सिर्फ विधायक ही नहीं मुस्लिम समाज में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। पुलिस ने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया था, जिसके बाद से ये वीडियो तेजी के साथ वायरल भी हो रहा और इस पे कड़ी प्रतिक्रियाएं भी लगातार दिखाई दे रही। चुनाव को तुम इस घड़ी पे बिगाड़ने के, जुबेर खान के नाम से बिगाड़ना के कोशिश करोगे तो इसका मतलब जुबेर खान के अंतिम दिनों में उसकी हत्या करने का राज है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सामने किया हो तो समझ में आती है इन लोगों ने धक्का मारे, हमारे तो देवताओं को ही नहीं पता, पर हमको हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो तो हम इसको बर्दाश्त करते क्या? अब आप यहाँ बैठी हो टेबल पर देख रहे हैं, बताएंगे ईमानदारी से देख रहे। और गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी सभा कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं जोधपुर के शेरगढ़ के ढाढ़निया गांव, जहां पर इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं। आप कभी राजस्थान में काम किए, केवल 6000 करोड़ खर्च क्यों कर पाए? कभी विचार किया आपने कि क्यों ऐसा हुआ? मैं आपने अर्ज करूं कि क्यों हुए कि गहलोत से आपने मन में एक दुर्भावना होती, हमारे मन में एक बहम हो, अगर राजस्थान के हर घर में पानी पहुंच गया तो मोदी जी के प्रति मिनका रही है मन में घनी भावना है, और पानी फूक गया तो अगले 50 साल तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आ सकती। जानबूझ करके उन्होंने राजस्थान में प्रोजेक्ट्स को रोका, उन्होंने मुझे कई काम नहीं करने दिया, उन्होंने टेंडर नहीं किए, एक एक टेंडर को 3-3 बार खारिज कर दिया, काम को आगे बढ़ने नहीं दिया। 2019 में लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण बनाने की घोषणा की थी, उसका टेंडर 2023 में जाकर के किया, 19 निकला, 20 निकला, 21 निकला, 22 निकला, 23 के अधूरा हो गया, तब उसके बाद जाकर के टेंडर किया। और जब खुद ने पाप किया, आपको प्यासा रखने का पाप उन्होंने किया, और अब वो खड़े होकर के उनके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाषण देते हैं। और जैसे जैसे पहले चरण की तारीख नजदीक आती चली जा रही है, वैसे ही वैसे आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कोटा में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर निशाना साधा। कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि व्यक्तिगत आरोपों से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिड़ला की जीत और ज्यादा सुनिश्चित हो रही है। पहले 2,80,000 वोटों से जीते थे, अब 3-4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं पहले कह चुका जब टिकट डिक्लेयर हुए थे कांग्रेस का और बीजेपी का, उस समय मालूम पड़ गया था कि विपरीत जाएगा, इस तरीके से विपरीत बातें आएंगी, और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जो भी वो विपक्षी प्रत्याशी कर रहे हैं वो हमारे पक्ष में कर रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं। हमारी जीत के अंतराल को जो पहले 2,80,000 था उसको वो चाहते हैं कि 3,80,000 4,80,000 तक हम ले जाए, इसलिए उनके प्रयास है और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह आप जो है प्रचार करते रहे और हमारी हमारे मत के अंतराल में बढ़ोतरी कराते रहे। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दिलावर ने दोहराया गहलोत और डोटासरा जेल जाएंगे, पेपर लीक के मामले में दोनों नेता जेल जाएंगे, ये बयान सामने आए दिलावर की ओर से। कांग्रेस
सरकार ने दिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी थी। अलवर में मेरे पुतले जला रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, चिंता मत करो, जेल जाएंगे पेपर लीक के सारे दोषी। एसओजी और ईडी पूरे मामले पर जांच कर रही है। रामगंज मंडी में एक सभा के दौरान दिलावर ने एक बार फिर से यह बयान दिया। दिलावर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बना है। पेपर आउट किसने करवाया था? लाखों बच्चों का भविष्य किसने खराब किया है? कांग्रेस ने बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दी। शिक्षा संकुल में के स्ट्रांग रूम में पेपर रखवाए और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग जो कांग्रेस के पदाधिकारी होते हैं उनको रखवाली दे दी, चाबी दे दी। अब जो ही पेपर रखे स्ट्रांग रूम में जाते वो रात को उठकर चाबी से स्ट्रांग को खोल लेते, पेपर ले जाते, आउट कर देते, बेच देते, करोड़ रुपए कमाए। तो क्यों नहीं अलवर वालों, मैं राज मंडी में बोल रहा हूं ये, क्योंकि वो मेरा वीडियो सुनेंगे अलवर वाले भी। अलवर वालों ये तो जाएंगे जेल, कौन? अशोक जी गहलोत और गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब जाएंगे। और आप मेरा पुतला जलाओ, पूरा जलाओ, नहीं तो तुमको पाप लगेगा, ताकि पता चल जाएगा कौन कौन पेपर चोरी का पैसा किसने खाया था, किस किसने खाया था। पुतले जलाने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, इनको भी बंदर बांट हुई है। और अलवर वालों तुम्हारे पास भी पैसा आया, इसलिए तुम इतने उछल कूद कर रहे हो। लेकिन ईडी और एसओजी जांच कर रही है, ये सुई तुम्हारी तरफ भी घूम सकती है, तुम भी जेल जा सकते हो। मैं अलवर वालों को कह रहा हूं, इसलिए मित्रों, हाँ अलवर वाले कांग्रेस जिन्होंने पुतले जलाए हैं, जितने पुतले जलाए हैं। उधर चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना का कपासन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में गजराज पर बैठा कर स्वागत किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंजना ने गजराज की सवारी से ही अपना चुनाव प्रचार भी किया। चित्तौड़गढ़ सीट पर उदयलाल अंजना का मुकाबला बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से है। हाथी पर बैठकर चुनाव प्रचार करते हुए उदयलाल अंजना को देखा गया। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब प्रत्याशी अनोखे अंदाज में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब जयपुर से खबर है, जहां मुरलीपुरा इलाके में ज्वेलर ने सुसाइड कर लिया। घर की छत पर बने स्टोर रूम में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ज्वेलर ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में ज्वेलर में कुछ लोगों पर सट्टे में 35 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगाए हैं। ज्वेलर्स ने अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की। बंधुनगर मुरलीपुरा निवासी राकेश प्रजापत ने खुदकुशी कर ली। घर पर श्री श्याम ज्वेलर्स के नाम से ये दुकान चलाता था और कई लोगों पर आरोप लगाते हुए कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उन सभी पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्वेलर ने खुदकुशी कर ली। बीकानेर के लूण करणसर से खबर है, जहां पर मंगलवार सुबह एक खेत में अचानक जमीन धस गई। तकरीबन 30 से 40 फीट तक धसी जमीन को देखने प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि अचानक ये जमीन क्यों और कैसे धस गई। जमीन एक खेत में धसी है, ऐसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लूण करणसर के सहज रासर गांव के पास एक खेत में किसान सुबह पहुंचा तो उसने देखा कि तकरीबन एक बीघा जमीन धस गई है। उबड़ खबड़ जमीन, कहीं छोटे छोटे टीले तो बीच से टूटकर नीचे तक धस गई। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां से जमीन नीचे चली गई है। रेत होने के कारण कटाव भी साफ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि सोमवार की देर रात ये घटना हुई। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही टाइगर फोर्स के सदस्य भी मौके पर मौजूद हैं।
और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा है। बिरला सभागार में सीए सम्मेलन में सीधे लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। बट द कंसर्न इज वेल रिकॉग्नाइज्ड, इट्स टेकन कॉग्निसेंस ऑफ द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल विल गेट इनटू द मीटिंग। थैंक यू। अ वेरी स्मॉल इशू ऑन जीएसटी, द 16-4 इनवॉइस, देयर इज अ कट ऑफ डेट एंड for first year, the cut-off date was extended to 30th November, realizing the difficulties in the portal and everything. And now the amendment has taken place that forever 30th November would be the date. Only in between 2 years have left. First year, from October it became November. From 22, again it became November forever. But this 18-19, 19-20, that remains October. And some people have that 9 days delay and 10 days delay because of the same difficulty that reconciliation is taking place at the vendors end, or there is some difficulty in filing and GSTR2 has not been notified. So I'm sure the council will take a good call on it. They're conscious of it. Thank you. My next question is not from GST but from Rajasthan's perspective. और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फॉर। अप्रैल को छत्तीसगढ़ पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। नक्सल प्रभावित इलाकों में MI-17 हेलीकॉप्टर से भेजी गई पोलिंग पार्टी। गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भरेंगे नामांकन। सिंधिया के नामांकन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन से पहले करेंगे जनसभा और रोड शो। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नंबर वन की जंग। 6 में से 5 मुकाबले जीतकर 10 अंकों के साथ पहले पायदान पर है राजस्थान। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की हो रही आराधना। दुर्गाष्टमी पर आज घर घर हो रहा है कन्या पूजन। माता के दरबार में हो रहे हैं विशेष आयोजन। रामनवमी के लिए अयोध्या में खास तैयारियां। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राम मंदिर। 17 अप्रैल देश में मनाई जाएगी रामनवमी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और अब खबर धौलपुर से है, जहां एक युवती टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा गया। यूपी के शमशाबाद की रहने वाली युवती बताई जा रही है। एसडीएम और निहालगंज थाना प्रभारी ने समझाइश की, परिजनों के साथ नहीं जाने की शर्त पर युवती नीचे उतरी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक युवती टावर पर चढ़ गई, उसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को और प्रशासन को। समझाइश के बाद आखिरकार युवती नीचे उतरी, लेकिन उसने यह शर्त रखा था कि वो अपने परिजनों के साथ नहीं जाएगी। फिलहाल इसे लेकर जानकारी नहीं है कि आखिर युवती इतनी नाराज क्यों थी कि वो अपने परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में भी जुटी हुई है। तो टावर पर चढ़ने के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर समझाइश के बाद युवती को नीचे उतारा गया। यूपी के शमशाबाद की रहने वाली युवती बताई जा रही है, जो धौलपुर में टावर पर चढ़ी थी। तो वहीं अलवर गेट थाना इलाके में होमगार्ड पर भाई बहन से दुष्कर्म और कुकर्म का आरोप लगा।